हेलो एवरीवन अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका सिंपल स्ट्रेस ठीक है स्टार्ट करते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पहले तो ये देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है मटेरियल तो आपको पता है किस मटेरियल से हम कंस्ट्रक्ट करें जो भी यूज करें मटेरियल का कैसे यूज कर रहे हैं स्ट्रेंथ क्या होता है स्ट्रेंथ है अगर आपका रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स जो भी हम मेंबर यूज कर रहे हैं चाहे स्टील हो या एल्यूमिनियम हो या जो कॉपर हो जो भी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ठीक है एक्सटर्नल फोर्स लगा तो कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना जरूरी नहीं रजिस्टेंस प्रोवाइड करे अगर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो जो जितना भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वही उसका स्ट्रेंथ रहता है स्ट्रेंथ कैन बी मैक्सिमम स्ट्रेस एट फेलियर इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम जितना स्ट्रेंथ जितना एक्सटर्नल फोर्स ले सकता है सह सकता है वही उसका स्ट्रेंथ होगा ठीक है सपोज एक वेट लिफ्टर है ना वो 10 केजी का वेट उठाया उठा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पचास के का उठाया कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ नब्बे का केजी जी उठाया कोई प्रॉब्लम नहीं हो जैसी इन या इन क्याबे उससे ज़्यादा आता है ना वो उठा नहीं पाता ये यहाँ पर फेल हो जाता है मतलब मैक्सिमम कहाँ तक उठा पाया नाइन्टी तक उठा पाया तो आपका स्ट्रेंथ क्या होगा नाइन्टी उससे ज़्यादा जैसे ही उठाएगा ना तो आपका फेल कर जाएगा ठीक है तो स्ट्रेंथ कैन बी मैक्म स्ट्रेस एट अ फेलियर तो ये आपका नाइन के जी है ठीक है इट इज़ अ प्राइमरी डिजाइन क्राइटेरिया ऑब्वियसली प्राइमरी डिजाइन क्राइटेरिया स्ट्रेंथ कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रेंथ ले पा रहा है ये तो आपका प्राइमरी होना ही चाहिए ओके सो नेक्स्ट है आपका स्टिफनेस स्टिफनेस हम और इसके बारे में स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी पढ़ेंगे यहां पर बेसिक देख लेते हैं स्टिफनेस क्या होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन सो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा उसको स्टिफनेस बोलते हैं यहां पर एक्सटर्नल फोर्स था उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस था उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं यहां पर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसको स्टिफनेस बोले अच्छा जरूरी नहीं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे सपोज वाटर ले लेते हैं ठीक है वाटर है उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो तो एजिली डिफॉर्म हो जाएगा ना कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा क्या तो स्ट्रेंथ क्या हो जाता है उस केस में जीरो हो जाएगा ठीक है ओके okay. सो so, आपका ये आपका स्टिफनेस क्या है ये आपका सेकेंडरी डिजाइन क्राइटेरिया ठीक है ये आपका रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन रहता है जो स्टिफनेस क्या होगा इंडस्ट्री प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन दैट इज रजिस्टिंग फोर्स बाय यूनिट डिफॉर्मेशन अगर वाटर का केस ले तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड ही नहीं करेगा तो आपका स्ट्रेंथ भी जीरो हो जाएगा और आपका रजिस्टिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगा रजिस्टिंग फोर्स जीरो है तो आपका स्टिफनेस भी जीरो हो गया ठीक है नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस देखिए फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर ना सिंपल स्ट्रेस ऑल दो इससे ज्यादा इतने क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्योंकि बेसिक्स है तो इसमें थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए जाएंगे तो थोड़ा टॉपिक्स लंबे हो जाएंगे तो हो सकता है इसको एक या दो पार्ट दो एक से ज्यादा पार्ट में हो सकता है इसको कवर करें ऑल दो इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जान के मैंने इसको कम नहीं किया ताकि इसमें बेसिक बहुत है वो भी क्लियर होना चाहिए आपको किसी कहीं और भी काम आएंगे ठीक है नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस ठीक है स्ट्रेस अब स्ट्रेस क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया अगर कोई आपका एक मटेरियल है उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है है ना डिफॉर्मेशन हो रहा है डिफॉर्मेशन कैसे होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन होगा अब जो डिफॉर्मेशन हुआ उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है वही आपका स्ट्रेस होगा ठीक है ये हुआ तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेस थोड़ा जैसे एक जैसे रहते हैं तो ये आपका स्ट्रेस हो गया स्ट्रेस का यूनिट क्या रहता है ये आपका फोर्स अपॉन एरिया पर यूनिट एरिया बोला है ना तो फोर्स अपॉन एरिया अगेंस्ट डिफॉर्मेशन बोला है तो ये मतलब ना रजिस्टिंग फोर्स यूनिट डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन के कारण कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया पर यूनिट एरिया तो फोर्स अपॉन एरिया ठीक है मटेरियल नॉट शोइंग रेजिस्टेंस ये तो पहले ही बता गया अगर रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा वो चीज जीरो हो जाएगा तो यहां पर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा

पर मीटर स्क्वायर एम एम को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए तो डिवाइड बाई क्या करेंगे टें टू पावर सिक्स करेंगे सॉरी टू पावर माइनस सिक्स करेंगे सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये टू पावर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेकिन ये क्या है ये आपका पास्कल है ना तो इज इक्वल टू टू पावर सिक्स पास्कल या इसको और क्या बोल सकते हैं ये आपका मेगा पास्कल हो गया मेगा मतलब टें टू पावर सिक्स तो ये आपका मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर आपका मेगा पास्कल ठीक है तो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर बराबर होता है मेगा पासकल एम या तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है ये एक दूसरे के सिमिलर है ध्यान रखना फिर आपका मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेगा पासकल एक ही हो गया एक आपका गीगा का पासकल होता है टेंट पॉट नाइन रहता है ठीक है आप एक बार गीगा पास्कल आई गेस टेंट पर ट्वेल्व रहता है एक बार आप चेक कर लेना ठीक है आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है है ना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपका टेंट पर थ्री रहता है ठीक है ये आपका गीगा पासकल टू पावर ट्वेल्व ही रहता है ठीक है ये आपका गीगा पासकल गीगा पासकल इज इक्वल टू टू पावर ट्वेल्व आपका पासकल ये आपके क्वेश्चन में आ गया तो मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया ओके सो so नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस इज अ टेंसर अब ये टेंसर क्या है ये आप आगे अगर मास्टर्स करने जाए तो आपको बहुत ही सुनने में आएगा हो सकता है आपने बीटेक में ही सुन लिया होगा स्ट्रेस इज अ टेंसर और ऑल दो कभी गेट में पूछा नहीं गया है टेंसर क्या होता है आपने क्या सुना होगा आपने स्केलर सुना होगा आपने वैक्टर सुना होगा अब ये तीसरा टर्म है टेंसर ठीक है ओके स्केलर क्या होता है उसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड रहता है वैक्टर क्या रहता है मैग्नीट्यूड तो रहता है प्लस एक डायरेक्शन भी रहता है वन डायरेक्शन इसमें क्या रहता है मैग्नीट्यूड तो रहता है प्लस मोर देन वन डायरेक्शन मोर देन वन डायरेक्शन तो ये आपका क्या हुआ ये आपका टेंसर हो गया ठीक है इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इतना ये आता आता नहीं है गेट एग्जाम में ठीक है या किसी भी आपका पी या किसी भी आपका पीएससी के एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है ओके अब स्ट्रेस है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं एक तो आपका नॉर्मल है एक आपका शेयर शेयर को टेंजेंशियल भी बोलेंगे नॉर्मल आपका किस फिर अगेन दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं आपका डायरेक्ट और आपका इनडायरेक्ट ठीक है डायरेक्ट किसके कारण होता है सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट है मटेरियल है उस पर आपका कंप्रेशन फोर्स लग रहा है या फिर आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होगा फिर आपका इनडायरेक्ट भी रहता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपका बेंडिंग स्ट्रेस रहता है इसका एग्जाम्पल देखेंगे फिर टेंजेंशियल में भी क्या रहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंजेंशियल शेयर तो उसके सर्फेस पे स्ट्रेस लगता है सर्फेस पे स्ट्रेस तो आपका यह डायरेक्ट में रजिस्टिंग शेयर फोर्स बाय शेयरिंग फो एरिया हो जाएगा ठीक है फिर इनडायरेक्ट में आपका टॉर्शनल शेयर फोर्स आता है शेयर का इनडायरेक्ट में आपका टॉर्शनल टोशनल फोर्स ठीक है इसमें इतना डिस्कस करने वाला चीज है नहीं नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन स्ट्रेन आपके टोटल तीन टाइप्स के रहते हैं आपका नॉर्मल स्ट्रेन शियर स्ट्रेन और एक आपका है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है वो नेक्स्ट पेज में देखेंगे वो आपका है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस रहता है ना ये दोनों ड्यू टू नॉर्मल फोर्स लगते हैं और जो आपका शेयर स्ट्रेन रहता है ये आपका शेयर फोर्स के कारण लगता है ठीक है अब नॉर्मल स्ट्रेन क्या रहता है नॉर्मल स्ट्रेन आपका ई से डिनोट करेंगे कैपिटल ई e से डिनोट नहीं करेंगे ठीक है कैपिटल ये आपका एप्सॉल भी बोल सकते हैं ठीक है ये रहेगा आपका चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन कितना आपका डायमेंशन में चेंज हुआ है ओरिजिनल डायमेंशन के रिलेटिवली तो ये आपका रहता है स्ट्रेन सिंपल पढ़े भी होंगे आप नेक्स्ट आपका शेयर स्ट्रेन देखो इस पर कुछ ज्यादा डिस्कस करने वाली चीजें हैं नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसमें और कुछ ज्यादा डिस्कस करेंगे तो अल्टीमेटली टाइम वेस्ट ही होगा शेयर स्ट्रेन जैसा कि हमने बताया कि ये आपका ड्यू टू शेयर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आपके स, सपोज आपका थ्री ऑब्जेक्ट है सपोज आ, अलग पेज में देखते हैं ये आपका थ्री ऑब्जेक्ट है ना तो उसके सरफेस पे अगर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है या in, आ, आपका नहीं, इसमें कुछ और चेंज होगा एंगुलर चेंज और डिस्टोर्शन बिटवीन टू मिचुअली टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये ध्यान रखना टू मिचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स इन रेडियंस ठीक है अब ये केस वन या केस टू देखो तो इसमें क्या है आपका आपका ऑब्जेक्ट अगर बनाए तो ये सपोज इनिशियल ऑब्जेक्ट है ये आपका चेंज हुआ है ना ये आपका सेकेंड तो ये अब चेंज कैसे हुआ ये आपका ऐसे इधर कुछ चेंज हुआ है ना फिर ये आपका इधर कुछ चेंज हुआ और ये ये आपका फाइनल पोजीशन ऐसा कुछ हुआ तो ये एंगल को, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो साइड है उसके का चेक करते। तो, इस का तो पहले इनिशियल से फाइनल इतना आया फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा two, ये आपका हो गया, ठीक है अब इसमें क्या है जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं एक न्यूमेरिकल आया और अच्छा न्यूमेरिकल आया है। तो इसको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे इसको और ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करो अगर यहां पर एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपका कंफ्यूजन आ सकता है कि साइन कैसा होगा ठीक है और आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो ये हम वहां पर और डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट आपका दूसरा केस देखते हैं दूसरा केस में सपोज सिमिलर ऑब्जेक्ट है अब ये भी आपका डिस्ट्रॉशन हुआ है है ना इसमें क्लियर हो जाएगा कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर पर्टिकुलर पेंस क्यों बोला गया अब इसमें कैसे चेंज हुआ इसमें आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन चेंज हुआ है ना जो आपका ये वाला साइड है और ये वाला साइड है वो वैसी के वैसी है ना रिस्पेक्ट टू एंगल तो कोई चेंज नहीं हुआ ना ठीक है तो ये विध रिस्पेक्ट टू एंगल कोई चेंज नहीं होगा अब हमें टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के बीच का एंगल लेना है तो आप ये और ये मत लेना ये और ये क्यों क्योंकि ये तो अपोजिट हो गया ना ये आ, आपका परपेंडिकुलर ये आपका साइड के रिस्पेक्ट में एंगल देखना है तो ये आप साइड बनाएंगे फिर एंगल चेक करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा ये वाला नहीं ये वाला एंगल आएगा तो आप टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के बीच में देखना है तो ये और ये हो गया ठीक है इन दोनों दो के बीच में देखेंगे या तो ये और ये देखेंगे या तो ये और ये देखेंगे दो एडजेसेंट जो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेंस है ना उसके बीच का एंगल देखेंगे तो इसका कुछ चेंज है क्या तो ये तो आपका क्या है सपोज आपका फाइव टू था अभी भी क्या है यह आपका फाइव टू क्या है फाइव टू इज इक्वल टू तो जीरो है ना इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ठीक है इसके करस्पॉन्डिंग कोई चेंज नहीं है फाइव वन क्या होगा ये आपका फाइव वन है कुछ मैग्नीट्यूड आएगा तो टोटल फाइव क्या हो जाएगा टोटल फाइव इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू लेकिन फाइव टू क्या ये तो आपका जीरो है ये आपका जीरो है तो फाइव फाइव

वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ है ठीक है यहां पर आपका डायमेंशन चेंज नहीं हुआ है। जो आपका इनिशियल टू फाइव वन हो गया ठीक है ओके नेक्स्ट ये आपका हो गया नॉर्मल शेयर अब नेक्स्ट देखेंगे आपका वॉल्यूमेट्रिक सॉरी वॉल्यूमेट्रिक तो जैसा कि बताया, बताया गया था वॉल्यूमेट्रिक है और आपका जो नॉर्मल है वो किसके कारण चेंज होता है ड्यू टू नॉर्मल फोर्स के कारण ठीक है कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ये दोनों टू नॉर्मल फोर्स रहता है तो ई वी इज इक्वल टू रहता है तो इसमें क्या रहता है जैसा कि आप देख रहे होंगे डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के कारण वॉल्यूम चेंज होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेन के कारण आपका लेंथ चेंज डायमेंशन चेंज होता था और आपका शीय uh, स्ट्रेन के कारण आपका शेप चेंज होता था ठीक है ये हुआ ओके okay. उसमें आपका नॉर्मल स्ट्रेन में स्ट्रेन uh, कितना रहता था ये आपका डेल एल बाय एल इसमें आपका डेल वी बाय वी सिंपल है नोट नॉर्मल फोर्सेस कैन कॉज चेंज इन डायमेंशन एज वेल एज वॉल्यूम जो आपका नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल uh, स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसमें या तो डायमेंशन चेंज होता है या तो वॉल्यूम चेंज होता है तो इसी के कारण नॉर्मल फोर्सेज के कारण डायमेंशन चेंज होता है या तो वॉल्यूम चेंज होता है ठीक है लेकिन शेयर फोर्स कैन चेंज द शेप विदाउट चेंज इन वॉल्यूम शेयर फोर्स के कारण शेयर फोर्स के कारण आपका शेयर स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है वो आपका उसके कारण क्या होता है शेप चेंज होता है चे, चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता ठीक है ये हो गया तो इसका हम क्रोनोलॉजी देखें कि सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट है वहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स होगा तो आपका डिफॉर्मेशन होगा जैसे डिफॉर्मेशन हुआ तो आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा ठीक है स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया लेकिन डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी तो प्रोवाइड होगा ना जरूरी नहीं है ये रेजिस्टेंस हो कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो दोनों हो सकता है रेजिस्टेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अगर रेजिस्टेंस हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस जीरो नहीं है है ना रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो आपका स्ट्रेस जीरो नहीं है तो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा जरूरी नहीं स्ट्रेस प्रोड्यूस हो तो आपका इसमें देखें तो स्ट्रेन पहले प्रोड्यूस हो रहा है मतलब स्ट्रेन क्या हुआ ये आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया और आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा ये आपका डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन हो जाएगा ठीक है इसका हम कव देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके okay. फिर नेक्स्ट आपका मटेरियल प्रॉपर्टी मटेरियल प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको थोड़ा पता ही होगा तो इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है अगर कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट में हम लोड लगाए तो वो डिफॉर्म होगा करेक्ट है जैसी लोड हटाए ना और मेंबर अगर ओरिजिनल शेप में आ गया ओरिजिनल शेप में आ गया तो वो बोलेंगे वो आपका इलास्टिक मटेरियल है बेस्ट एग्जांपल आपका रबर बैंड उसको खींचो फिर फो, फोर्स लगा के खींचो जैसी फोर्स आप खींचना छोड़ दोगे या फोर्स हटा दोगे तो आपका जैसे खींचे तो आपका कुछ ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा जैसी फोर्स हटाए ठीक है या आ, उसको खींचना बंद कर दिए छोड़ दिए तो आपका ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा मतलब ये क्या इलास्टिसिटी लेकिन इसका भी कोई लिमिट है रहता है जैसे इसको अगर ज्यादा ही फोर्स लगा दिए तो क्या होगा ये आपका ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो इसका भी कुछ लिमिट रहता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी रहता है मेम्बर अंडर गोस परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट अ कांस्टेंट लोड कॉन्स्टेंट लोड में परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा मतलब आपका एक बार सपोज ये इनिशियल डायमेंशन है और ये आपका फाइनल हो गया तो आपका फिर लोड हटा भी देंगे ना तो भी वापस नहीं जाएगा अब यह इस शेप में रहेगा ठीक है तो उसको बोलेंगे उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे प्लास्टिसिटी नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी डक्टिलिटी मेड इंटू थिन वायर्स मेलियबिलिटी प्रेस्ड इंटू थिन शीट्स अब दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि मेल्यूबल को थिन शीट बोल दो मेल सॉरी डक्टिलिटी को थिन शीट बोल दो मेलिबल को थिन वायरस बोल दो तो इसके लिए थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं डक्टिलिटी डक्ट डक्ट आपका क्या रहता है जैसे आपके रेक्टेंगुलर डक्ट रहते हैं सर्कुलर डक्ट सर्कुलर डक्ट किस शेप में रहते हैं ये आपके सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं मतलब आपके वायर के शेप में रहते हैं सो डक्ट मतलब मेड इन थिन वायर्स मेल्यूबिलिटी मेला मेला क्या होता है शर्ट होते शर्ट किस फॉर्म में रहते हैं शीट के फॉर्म में रहते हैं ना सो प्रेस्ड इंटू थिन शीट्स ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट ब्रिटल ब्रिटल आपका फेल सडनली आपका applying, लो, applying, अगर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कुछ डिफॉर्म नहीं होगा सडनली क्या हो जाएगा वो आपका ब्रेक हो जाएगा बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ग्लास ठीक है उसे फोर्स लगा टूट जाएगा कोई आपका डिफॉर्मेशन सडनली टूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा ओके okay. नेक्स्ट है आपका क्रीप इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रीप क्या होता है कंटिन्यूस और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू कांस्टेंट और सस्टेन्ड लोड विथ टाइम अब यहाँ पर क्या था प्लास्टिसिटी भी वही था ना लेकिन एट कांस्टेंट लोड था ये आपका सस्टेंड लोड है सस्टेंड लोड मतलब आपका बहुत दिन बहुत विथ टाइम ये आपका बहुत देर तक लोड लग रहा है बहुत देर तक लोड, देर तक लोड मतलब आपका कौन सा लोड लग सकता है डेड लोड डेड लोड लाइव लोड आपका बहुत थोड़ा टाइम कम टाइम के लिए लगता है डेड लोड आपका बहुत ज्यादा टाइम का लगता है सेल्फ वेट के कारण लगता है तो हमेशा के लिए लगे रहता है तो आपका डेड लोड के कारण होता है ठीक है ओके okay. नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कव अब स्ट्रेस स्ट्रेन कव अलग अलग स्टील के लिए रहता है तो पहला हम डिस्कर करेंगे माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील उसको बोला जाता है एफ ई मतलब उसका जो आपका ईल्ड uh, पॉइंट है लोअर यील्ड स्ट्रेस है ये है आपका टू फिफ्टी न्यूटन पर एमएम स्क्म स्क् मतलब क्या टेन टू पावर पॉइंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या या तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल पास इज एम पी नॉर्मली हम एमपीए से इसको डिनोट करते हैं ओके okay. सो so अगर इसको बनाएं इसको थोड़ा अलग पेज में ड्रॉ करते हैं तो so अभी हम देख चुके थे कि थोड़ा क्लियर कर लेते हैं अभी हम देखें कि आपका जो स्ट्रेन था वो आपका इंडिपेंडेंट था स्ट्रेस क्या था वो आपका डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन है तो ध्यान रखना जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन कव बनाएंगे ना स्ट्रेन हमेशा एक्स एक्सिस में आएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है अगर आपके इंटरव्यू में पूछ रहा है तो कई बार यही गलती हो जाता है कि स्ट्रेस को नीचे ले लेते हैं एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन में ए, आपका स्ट्रेन को लेना है वाइड डायरेक्शन में स्ट्रेस को लेना है क्योंकि स्ट्रेस आपका डिपेंडेंट है ठीक है अब इसको ड्रॉ करते हैं तो शुरू में तो क्या है शुरू में यह लीनियरली जाएगा है ना पॉइंट ए तक फिर क्या करेगा ए से बी तक नॉन लीनियर रहेगा थोड़ा हल्का सा कर्व रहेगा ये आपका बी पॉइंट पहुंचा फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा पॉइंट सी में फिर यह आपका डिप करेगा ठीक है वर्टिकली डिप करेगा फिर आपका यह हॉरिजॉन्टली जाएगा यह आपका ई e पॉइंट तक ई e के बाद आपका थोड़ा सा इंक्रीज होके ये आपका यहां पर ब्रेक हो जाएगा ठीक है इसको अगर आगे बढ़ा दे यह आपका लोअर पॉइंट है यह आपका अपर ईल्ड पॉइंट है ठीक है यह आपका जो डी है ना डी है आपका लोअर इल्ड पॉइंट ठीक है सभी पॉइंट को देख लेते हैं ए ए है आपका प्रपोर्शनैलिटी लिमिट पोर्शनैलिटी लिमिट ठीक है ये आपका ग्राफ हो गया इसको यहां पर बना यहीं पर देख लेते हैं तो जो पॉइंट ए है ये आपका प्रपोशनलिटी लिमिट है प्रपोर्शनैलिटी लिमिट मतलब जो आपका स्ट्रेस है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है ये आपका हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो आपका जो आपका प्रोपोर्शनल रहेगा ना सिर्फ आपका जीरो से ए तक यहीं तक रहेगा प्रपोशनैलिटी उसके आगे नहीं होगा जो बी पॉइंट है वो आपका इलास्टिक पॉइंट है अभी इलास्टिक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हम देखें कि जैसी लोड हटाए वापस आपका डिफा ओरिजिनल शेप में आ गया तो वही है अगर जीरो से बी तक आपका लोड लग रहा है और लोड हटाए तो आपका वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा अप टू बी मटेरियल इज इलास्टिक ठीक है ओके तो ए बी जो है ना नॉन लीनियर पार्ट है ध्यान रखना ए बी स्लाइटली कर्वड हुक्स लॉ इज नॉन नॉट वैलिड स्लाइटली कर्वड है लीनियर नहीं है ये आपका लीनियर है लीनियर नहीं है तो सिग्मा इज नॉट इक्वल टू ई ठीक है हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड सी है अपर एल पॉइंट है और जो डी है वो लोअर एल पॉइंट है जनरली हम डिजाइन के लिए लोअर एल पॉइंट कंस्ट्रक्ट करते हैं अपर पॉइंट कंस्ट्रक्ट नहीं करते क्यों क्योंकि डिपेंडेंट ऑन शेप रहता है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है तो ये वेरिएबल रहता है ठीक है लोअर एल पॉइंट आपका माइल स्टील में ये रहता है आपका टू फिफ्टी एम पी फिर एफ है वो आपका अल्टीमेट पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस है फिर जी है ब्रेकिंग पॉइंट इस पॉइंट पे आपका ब्रेक हो जाता है अच्छा यहां है, पर जी G है जी G डैशो ये एग्जाम में पूछा नहीं गया तो भी मैं बता देता हूं जो जी है ना वो आपका स्ट्रेस तो है ठीक है स्ट्रेस क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया सो किसी भी ऑब्जेक्ट अगर हम खींच रहे हैं तो डिफॉर्म आपका एक्सटेंशन होगा लेकिन दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा वो आपका एक डायरेक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में तो कम भी तो होगा हो ना तो उसके कारण क्या एरिया क्या है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा ठीक है एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये आपका एफ बाई ए एरिया डिक्रीज हो गया तो एफ वाई ये क्या हो जाएगा ये आपका इंक्रीज हो जाएगा ना ये पूरा इंक्रीज हो गया मतलब आपका जी डैश क्या है ओरिजिनल स्ट्रेस आपका जी डैश रहता है लेकिन हम क्या करते हैं एरिया को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं उसके कारण जी क्या है वो आपका लोअर थोड़ा लोअर नीचे दिख मिलता है हमें ठीक है लेकिन जी डैश क्या है ओरिजिनल आपका स्ट्रेस है ठीक है इतना पूछा नहीं जाएगा अगर आपको आ, वैसे तो कभी एग्जाम में गेट एग्जाम में तो बनाने नहीं बोलेगा लेकिन अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको स्ट्रेस कब बनाने बोला माइल्ड स्टील का तो आप जी डैश रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ओके okay. पॉइंट आपका लीनियर इलास्टिक है इलास्टिक भी और आपका लीनियर भी है लीनियर है मतलब आपका हुक्स लॉ वैलिड रहेगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिटेड डेट इज सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई ओके नेक्स्ट आपका ए भी इलास्टिक इलास्टिक तो है लेकिन ये नॉन लीनियर हो गया नॉन लीनियर हो गया तो आपका हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा आपका कर्वड हो गया लीनियर नहीं है तो कर्वड हो गया नेक्स्ट आपका डी ई अब बी सी डी इसको डिस्कस uh, नहीं किए ओके okay. जो डी है वो आपका प्लास्टिक जोन जोन है प्लास्टिक जोन मतलब आपका स्ट्रेन तो बढ़ रहा है लेकिन आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है तो मटेरियल क्या है वो आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है मतलब डायमेंशन चेंज हो, हो जा रहा है लेकिन आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है. ठीक है सॉरी कोई रेजिस्टेंस उससे प्रोवाइड नहीं कर रहा है उसमें है ना ओके फिर आपका ई एफ ई एफ आपका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन ये आपका ई एफ स्ट्रेन हार्डनिंग जोन सो ये क्या मटीरियल गोज हायर स्ट्रेन हायर स्ट्रेन पर जा रहा है टू रेजिस्ट लिटिल एक्सटर्नल फोर्स थोड़े से एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्टर करने के लिए मटीरियल हायर स्ट्रेस में हायर स्ट्रेन में जा रहा है ओके okay. फिर एफ जी है आपका नेकिंग जोन ठीक है ये आपका नेकिंग जोन यहां पर ब्रेक हो जा रहा है ओके okay. ये हो गया नेक्स्ट आपका भी हम किसके बारे में डिस्कस किए माइल्ड स्टील अब आपका हाई कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील में आपका एफ 415 आता है आपका एफ 500 आता है ठीक है 514 फोर्टीन ये आपका 500 हंड्रेड इसका भी आपका स्ट्रेस ट्रेन कब है लेकिन उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है कभी का भी एग्जाम में नहीं आया तो इसको मैंने डिस्कस नहीं किया है ठीक है ओके okay. फिर हाई कार्बन हाई कार्बन मतलब कार्बन बढ़ा दी कार्बन बढ़ा दी उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा हार्डनेस बढ़ जाएगा डक्टिलिटी कम हो जाएगा डक्टिलिटी मतलब जिसको डक uh, मतलब आपका थिन वायर्स में बना सके फिर आपका टफनेस भी डिक्रीज हो जाएगा अब स्ट्रेंथ और टफनेस को एक मत समझना अलग अलग है इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे दूसरे टॉपिक में फिर नेक्स्ट है आपका आइडियलाइज्ड सिग्मा ई कव आइडियलाइज टेस्ट ट्रेन कव इस समय क्या है आपका आइडियलाइज जो आपका आइडियल चीजें में हो सकता है आइडियल एक्चुअली होती है क्या कोई भी आइडियल चीज़ होती नहीं लेकिन जस्ट हम हमारे कन्वीनियंट के लिए कुछ हमने आइडियलाइज सिग्मा ई कव बनाया गया परफेक्टली रिजिड रिजिड एकदम रिजिड है बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होगा डिफॉर्म नहीं होगा तो मतलब स्ट्रेन कुछ नहीं होगा तो चाहे जितना भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे जितना भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो आपका स्ट्रेन जीरो रहेगा ठीक है आइडियल फ्यूड आइडियल फिलूड में क्या है वो आपका इजिली डिफॉर्म हो जाता है बिना रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता इजिली डिफॉर्म हो जाता है तो आपका स्ट्रेन क्या रहेगा वो आपका बढ़ते रहेगा ठीक है आपका स्ट्रेस स्ट्रेस क्या हो गया ये आपका जीरो हो गया लीनियर इलास्टिक इलास्टिक भी है और आपका लीनियर है तो वो क्या रहता है वो अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट रहता है ना डैट इज वैलिड तो ये ओ ए हो जाता है फिर रिजिड प्लास्टिक अब आपका रिजिड भी है फिर आपका प्लास्टिक भी है तो आपका ये तो रिजिड हो गया तो पहले तो ऊपर जाएगा अब प्लास्टिक है तो आपका हॉरिजोटल डायरेक्शन बढ़ जाएगा

सिग्मा ई कर्व ऑफ माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील का भी हम ग्राफ कैसे बनाए थे पहले तो आपका लीनियर था है ना ओ ए ऐसे अभी तक हल्का सा कर्व था ठीक है बहुत अब बेसिक रहता तो वो नोटिस नहीं कर पाएंगे फिर आपका ये आपका बी था ये ए था फिर आपका सी फिर डी फिर आपका प्लास्टिक जोन फिर आपका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन फिर आपका नेकिंग जोन ऐसा था अब आइडलाइज बनाएंगे ना तो थोड़ा लीनियर कर देंगे इसको ऐसे तो गए फिर ये आपका कर्व होकर ऐसे चले गया ठीक है तो ये आपका इलास्ट ये आपका आइडलाइज सिग्मा ई कव हो गया किसका इलास्टो प्लास्टिक का इसको ऐसे नहीं बनाएंगे ध्यान रखना ये तो आपका लिनियर इलास्टिक प्लास्टिक हो जाता है ये थोड़ा सा कर्व रहेगा ठीक है ये ध्यान रखना फिर नेक्स्ट आपका लिनियर इलास्टिक एंड स्ट्रेन हार्डिंग लीनियर इलास्टिक है तो ऐसा हुआ अब स्ट्रेन हार्डिंग स्ट्रेन हार्डिंग में ऊपर जाता है ना तो ये थोड़ा सा ऊपर गया सब स्ट्रेट होगा कोई कव नहीं होगा रिजिड स्ट्रेन हार्डिंग रिजिड है पहले तो रिजिड में ऐसा गया स्ट्रेन हार्डिंग में आपका ऊपर चले गया ठीक है लीनियर इलास्टिक स्ट्रेन सॉफ्टनिंग स्ट्रेन सॉफ्टनिंग को आप नेकिंग भी बोलते हैं अब आपका लीनियर इलास्टिक है पहले तो लीनियर इलास्टिक में आपका ऊपर गया ठीक है अब आपका स्ट्रेन सॉफ्टनिंग है स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है ये आपका ऊपर जाता है सॉफ्टनिंग में क्या ये आपका नीचे चले जाएगा यही आपका नेकिंग जोन है यहाँ पर आपका फेलियर होता है आपका नेकिंग तो आपका रिजिट हुआ फिर आपका नेकिंग हो गया फिर लीनियर yield इलास्टिक कैसे हो रहा है बी से सी में या आपका बी सॉरी यहाँ पर आपका सी रहता है यहां पर आपका डी रहता है तो सी डी क्या आपका ईल्ड पॉइंट है या पॉइंट लोअर एल्ड पॉइंट तो डी आपका लोअर एल्ड पॉइंट है है ना तो लीनियर इलास्टिक है फिर ईल्ड है तो ये आपका नीचे आ जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट है आपका इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स है ना सो so उसमें फर्स्ट आपका होक्स लॉ लौक इन नॉर्मल स्ट्रेस विथ ई एल ठीक ई एल क्या है आपका विथ इन ई एल दैट इज इलास्टिक लिमिट हम ड्रॉ किए थे विद इन इलास्टिक लिमिट ठीक है हुक्स लॉ इन नॉर्मल स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ क्या बोलता है सिग्मा इज प्रोपोर्शनल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अगर यह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा तो सिग्मा क्या हो जाएगा ये आपका कैपिटल ई ई हो जाएगा आपको ये पता है ये स्ट्रेस है ये पता है स्ट्रेन है ई क्या होता है जो ई e है ना वो आपका यंग्स मॉड्यूलस बहुत यंग young है यंग्स मॉड्यूलस आपका इलास्टिक मॉड्यूलस आपका मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी ये आपको तीन चीजें से इसको डिनोट किया जाता है यंग्स मॉड्यूल इलास्टिक मॉड्यूल्स या मॉड्यस ऑफ इलास्टिसिटी सो आपका ई e को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन भी बोला जाता है

रिजिडिटी मॉडल या मॉडल ऑफ रिजिडिटी ठीक है शेयर या रिजिडिटी या मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी यहाँ पर यंग्स इलास्टिसिटी या मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी दो याद रखो दूसरा आपको मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी दो याद रखो शेयर रिजिडिटी या मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऐसा भी कर सकते हो है ना नेक्स्ट है आपका बल्क मॉडल यहाँ पर हुक्स लॉ इज नॉर्मल स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट या लॉ इज नॉर्मल स्ट्रेस हुक्स लॉ इन शेयर स्ट्रेस ये आपका ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस है ये आपका स्ट्रेस ये किसके कारण होता है ये भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस के कारण होता था ना बल्क मॉडल बल्क मॉडल क्या है आपका सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो भी आपका किसके कारण होता था वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस तो बल्क बल्क मॉडल उसी को डिफाइन किया जाता है सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को सिग्मा से नोट करेंगे प्रोपोर्शनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको सिग्मा को हटाए तो ये आ गया इज इक्वल टू के इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के क्या हुआ ये आपका बल्क मॉडुलस हो गया तो के क्या होगा सिग्मा बाय बाई सो इसी को बल्क मॉड्यूल बोलेंगे या आपका डाइजेशन कॉन्स्टेंट बोलेंगे ओके फॉर रिजिड मटेरियल रिजिड मटेरियल बिल्कुल एकदम ही रिजिड है बिल्कुल डिफॉर्म नहीं हो रहा है uh, ठीक है अरे बिल्कुल भी डिफॉर्म में था मतलब वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है जीरो हो रहा है मतलब आपका बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा ठीक है वॉल्यूम चेंज जीरो है तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा वो क्या होता है डेल वी बाय वी डेल वी तो आपका जीरो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया जीरो हो गया इसको यहां पुट करोगे तो के क्या हो जाएगा या तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा ना ओके, फॉर आइसोटिक मटेरियल अच्छा पहले ये देख लेते हैं के इज यूज फॉर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कंडीशन ये सिर्फ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कंडीशन के लिए यूज किया जाता है ठीक है अब फॉर आइसोट्रेटिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल, हमने तीन चीज पढ़ा आपका ई e, आपका यंग्स मॉडुलस

ई इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन जी ये रहता है ऐसा नहीं कि इज इज ग्रेटर 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 देन 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 जी के के ई ई तो आएगा ही फिर के पहले आ जाता है ठीक है फिर आपका जी आ जाता है तो ये दोनों किसके कारण है आपका नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का ग्रुप बना लेते हैं तो हमेशा ई ग्रेटर देन की हो जाएगा और जो आपका श्री स्टेशन रहता है ना वो सबसे लोएस्ट रहता है अच्छा तीन पैरामीटर ई e, जी के कैसे याद करोगे ठीक है एक मूवी आई थिंक के जी एफ के जी एफ तो ये आपका के आ गया दूसरा जी आ गया एफ के जगह ये आपका एफ लिखे वहां पर एक डैश लगा देना तो ये E हो जाएगा तो इस तरीके से तीनों आप टर्म्स याद रखेंगे ई जी के दैट इज के जी ई ठीक है ऐसा ही आप याद कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है आपका पॉइजन रेशो पॉइजन रेशो क्या होता है म्यू इसको म्यू से डिनोट करते हैं माइनस ऑफ स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन बाय स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तो एक जगह से इंक्रीज हो रहा है जैसे आपको पहले भी बताया गया था अगर एक जगह से इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे जगह तरीके से क्या होगा डिक्रीज होगा या फैसा वर्सा कुछ भी हो सकता है तो उस तरीके से आपका म्यू है, e, क्या है माइनस ई स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन बाय स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन इसका रेंज क्या रहता है इसका नेगेटिव नेगेटिव कुछ भी रह सकता है टू तो म्यू इज ऑलवेज लेस देन अ पॉइंट 5. अब इसको दो तर, दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं एक तो आपका म्यू जो कि लेस देन जीरो है और एक का आपका म्यू ग्रेटर देन जीरो तो है ही लेकिन लेस देन क्या है पॉइंट है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो ये किसके लिए होगा ये इक्वल टू इक्वल टू लगा सकते हैं ओके सो इक्वल ये आपका म्यू लेस देन जीरो किस होता है ये आपका जेनेटिक मटेरियल में रहेगा है ना अरे आपका जीरो म्यू जो म्यू है पॉइंट फाइव और जीरो के बीच ये आपका इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए रहेगा तो हमें सिर्फ आपका ये ध्यान रखना है है ना इंजीनियरिंग मटेरियल का आपका जो कॉर्क रहता है कॉर्क में आपका आपका पॉइजन जीरो रहता है कोई आपका लेटरल चेंज नहीं होगा स्टेन इन लेटरल एक्शन जीरो रहेगा ठीक है आपका म्यू मैक्म वैल्यू पॉइंट फाइव ये किसके लिए रहता है ये आपका इनकम्प्रेसिबल मटीरियल या फिर नॉन डायलेक्टेंट या फिर जिसमें आपका डेल वी जीरो हो डेल वी जीरो मतलब के क्या है बल्क मॉड्यूलर्स क्या है ये आपका इंफिनिटी है सो so उसमें म्यू आपका क्या है maximum आपका पॉइंट फाइव रहता है ठीक है ओके okay. अब ये हम चार प्रॉपर्टीज से लिए ई जी के म्यू जी एफ एफ क्या जगह ई कर दिया है और ये आपका शो। अब इसके ना इसको याद नहीं करना है आप ये दोनों को याद करना है इससे हम ये दोनों डराइव कर सकते हैं आपको ई जी म्यू है ई e तो के म्यू है ना तो जी के सॉरी आपका दोनों ई e के वाले दोनों को एक साथ रख दो तो, तो म्यू म्यू को आ,

तो पहले मोबाइल में क्या आता था ई ए प्लस ये ऐसा कुछ आता था ठीक है आपके मोबाइल में तो ई इज इक्वल टू टू जी हो गया वन प्लस म्यू और ऐड कर लो तो ये आप ऐसा याद कर सकते हो ठीक है ओके नेक्स्ट अगेन ई अब ये मत सोचना अगेन ई टू जी के बाद क्या आया आपका थ्री आया ठीक है तो ई इज इक्वल टू थ्री अब आपका ई इज इक्वल टू थ्री के है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तो जी के बाद ये आपका 2G है तो 3 लिखे 3G आया तो G में 3 ऐड कर देंगे क्या आएगा सॉरी तीन के बाद क्या आएगा K आएगा तो 3K हो गया अब यहां पर बढ़ गया तो अब सब कॉपी पेस्ट करते आएंगे तो गलत हो जाएगा ना कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा ठीक है हम इसको भी बढ़ा रहे हैं आप इसको इससे बढ़ा दिए जी को जी को बढ़ा दिए के से इसमें इसमें टू में वन ऐड किए जी में थ्री ऐड कर दिए तो के आ गया तो सब में बढ़ाएंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा ना तो कुछ ना कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा तो हम इसमें रिड्यूस करेंगे तो वन माइनस कितना रिड्यूस करेंगे तो, e K, तो दो फॉर्मला इज इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू पहला दूसरा ई इज इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू ठीक है सो आपको ये दो फॉर्मले याद करना ही करना है ठीक है ओके इसमें आपका फिर बचा है आपका

एक मल्टीपल यहां पर पॉइंट्स है है ना तो एक डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स में एक ही डायरेक्शन में, में आपका तो एक ही प्रॉपर्टी रहेगा सपोज ये आपका सिग्मा वन है सिग्मा वन है सिग्मा वन है सभी में आपका प्रॉपर्टी क्या है सिग्मा वन है ना सेम प्रॉपर्टी है तो ये क्या हो जाएगा ये आपका होमोजिनस रहेगा किसी भी पॉइंट में अगर एक ही डायरेक्शन में अगर सेम प्रॉपर्टी रहा तो वो आपका होमोजिनस रहा सपोज अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो यहां पर अगर सपोज आपका सिग्मा टू है सिग्मा टू है सिग्मा टू तो ये आपका होमोजिनस रहेगा ठीक है अब नेक्स्ट है आपका आइसोटॉपिक होमोजीनस हो गया अब आप आपका आइसोटॉपिक तो होमोजीनस में आपका मल्टीपल पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इसमें आपका क्या एक ही पॉइंट डिस्कस करेंगे एक ही पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका सेम प्रॉपर्टी है सब जगह सेम प्रॉपर्टी है तो ये आपका आइसोटॉपिक हो जाएगा सिंपल ये आपका आइसो हो गया नेक्स्ट आपका क्या है अच्छा नेक्स्ट है आपका ऑर्थोटॉपिक है लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करते हैं होमोजीनस और आइसोटॉपिक दोनों दिया गया होमोजीनस और आइसोटॉपिक दोनों बोला है होमोजीनस क्या हुआ अगर किसी एक डायरेक्शन में ये आपका सिग्मा है ये आपका सिग्मा है ये आपका सिग्मा है अब आइसोट्रॉपिक भी है तो ये आपका आइसो में क्या है सभी पॉइंट में एक ही प्रॉपर्टी यहां पर भी सिग्मा यहां पर भी सिग्मा यहां पर भी सिग्मा यहां पर भी सिगमा यहां पर भी सिग्मा है ना सभी में एक ही प्रॉपर्टी है तो किसी भी पॉइंट ले ले किसी भी दूसरे पॉइंट ले ले या एक ही पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन में ले ले दोनों में क्या होगा सेम प्रॉपर्टी होगा इज सिग्मा तो क्या हो गया होमोजीनस प्लस आइसोट्रॉपिक ठीक है नेक्स्ट है आपका ऑर्थोट्रॉपिक में क्या है जो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तीनों जगह अगर आपका अलग अलग प्रॉपर्टी है तीनों जगह सेम प्रॉपर्टी नहीं है ध्यान रखना इज इज सिग्मा एक्स नॉट इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू तो सिग्मा वाई इज नॉट इक्वल टू तो सिग्मा जेड देन इट इज ऑर्थोट्रॉपिक ठीक है ये आपका ऑर्थोटॉपिक हो गया लास्ट है आपका एन अब आइसोटॉपिक तो देखिए एन आइसो क्या हो गया आप नाम से समझ गए होंगे आइसो में क्या होता है एक ही पॉइंट में अलग किसी भी डायरेक्शन में आपका सेम प्रॉपर्टी रहता है आपके हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी है किसी भी डायरेक्शन में देख लो यहां पर सिग्मा वन है यहां पर सिग्मा टू यहां पर सिग्मा थ्री यहां पर सिग्मा फोर यहां सिग्मा फाइव यहां सिग्मा सिक्स सो किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी तो ये क्या हो जाएगा ये आपका एन आईसो ट्रॉपिक हो गया ठीक है सिंपल है ओके सो नेक्स्ट है आपका आपका इलास्टिक कांस्टेंट देखना है तो आपका होमोजेनस आइसोटॉपिक होमोजेनस प्लस ऑर्थोटॉपिक और होमोजेनस प्लस एनासोटॉपिक यहाँ पर टोटल इलास्टिक कॉन्टेंट्स है यहाँ पर इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट है तो टोटल तो आपके रहते टोटल हमेशा ज़्यादा रहेंगे इंडिपेंडेंट से सो होमोजिनस एंड आइसोटॉपिक यहाँ पर फोर रह गए फोर कौन कौन से रहेंगे के जी एफ के जी एफ ठीक है बल्क मॉडल सॉरी ये आपका यंग्स मॉडल्स ये आपका ये आपका है सॉरी ये आपका है शेयर मॉडल्स ये आपका बल्क मॉडल्स ठीक है वेयर ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन के इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी फॉर होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक ध्यान रखना इसमें इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट कौन से रहेंगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आपके ई और म्यू ये आपके इंडिपेंडेंट e रहेंगे ठीक है बाकी जी और के ये आपके डिपेंडेंट रहेंगे फिर होमोजिनियस एंड ऑर्थोट्रॉपिक यहाँ पर तो आपका सभी पॉइंट सभी डायरेक्शन में एक ही प्रॉपर्टी हो रहा था ना तो आपके प्रॉपर्टी कम थे लेकिन यहां पर ऑर्थोट्रॉपिक हर जगह अलग अलग है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर ट्वेल्व हो जाएगा बढ़ जाएगा फोर इंटू थ्री कर देना बढ़ गया और यहाँ पर इंडिपेंडेंट में, में क्या है आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी तक तीन डायरेक्शन अलग अलग प्रॉपर्टी फोर इंटू थ्री कर दिए ठीक है ऐसे याद कर लो ट्वेल्व ट्वेल्व में से आप थ्री माइनस कर दिए तो आपको नाइन मिल गया ठीक है होमोजीनियस क्या है यहां पर किसी भी डायरेक्शन में लो किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन हर, हर में अलग अलग प्रॉपर्टी है तो टोटल कितने यहां पर इन्फिनिटी हो जाएंगे लेकिन इंडिपेंडेंट लास्टिक so आपको याद रख लोगे तो ज्यादा बेटर है ठीक है और एक क्वेश्चन आई गैस पूछा गया है, तो हो, हो सकता है क्या पता आ जाए है ना इसको आप याद कर लेना होमोजीनियस आइसो आपके सभी प्र, सभी पॉइंट प्र, में एक ही प्रॉपर्टी रहते हैं तो टोटल आपके फोर हो गए ई जी के जी एफ डेट इज ई जी के और आपका म्यू ये हो गया